Subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में इंटरव्यू हुआ, जिस इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला से कई सारे सवाल किए गए, शहनाज को लेकर, उनकी ट्रॉफी को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, और साथ ही साथ सवाल किया गया शो के बाकी कंटेस्टेंट्स को लेकर। सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या क्या सवाल किए गए और क्या क्या सिद्धार्थ शुक्ला ने जवाब दिए। पहला सवाल ये हुआ कि भाई आपकी और शहनाज की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया, जीत का उन्हें कितना श्रेय देंगे? उन्होंने तो अपनी ओर से प्यार का इजहार भी किया, मगर आपने अपनी तरफ से कुछ साफ नहीं किया। इसके जवाब में सिद्धार्थ कहते हैं, मैं अपनी जीत का पूरा पूरा श्रेय उन्हें ही दूंगा। उनके जैसी लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी, वो बहुत बड़ी एंटरटेनर है। सोचता हूँ कि अगर वो शो में नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं अपनी माँ, बहन या भांजी के जितना ज़्यादा करीब हूँ, उतना ही मैं शहनाज के भी था। वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए वो खास है, मगर अफेयर या शादी जैसी बातें करना काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी होगी। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उसके साथ बिग बॉस के घर में बहुत ज़्यादा अच्छा समय बीता। हमारे बीच कई बातें ऐसी होती थी जो बिग बॉस से जुड़ी नहीं होती थी, हम पर्सनल बातें भी किया करते थे। खैर, इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला से पूछा गया कि आप इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि दोनों के वीडियो एल्बम भुला दूंगा को लोगों ने खूब ज़्यादा पसंद किया, इसे करोड़ों लोग देख चुके हैं, यानी कि सिडनाज एल्बम भुला दूंगा पर बातचीत की गई, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने जवाब दिया, प्रशंसकों का प्यार है। इस वीडियो की शूटिंग के दौरान हम दोनों ने बहुत मेहनत की थी, पानी के अंदर हमने मुश्किल शॉट्स दिए। ये इतना ज़्यादा सहज लगता है, इतना ज़्यादा आसान लगता है कि लोग इससे जुड़ गए हैं, लोग इसीलिए वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगला सवाल सिद्धार्थ से ये किया गया कि बिग बॉस के घर में रहने के दौरान ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमेशा याद रहेगी। सिद्धार्थ ने कहा कि बिग बॉस की आवाज़ उनको हमेशा याद रहेगी, बिग बॉस चाहते हैं। इसके अलावा सप्ताहांत में सलमान खान के साथ हमारी जो चर्चा होती थी, यानी कि वीकेंड का बार में जब सलमान खान आते थे और उनसे बातचीत होती थी, वो भी सिद्धार्थ को काफ़ी ज़्यादा याद रहेगा, वो भी मैं भूल नहीं पाऊंगा। शहनाज के साथ बिग बॉस का सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा, ये भी सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा। खैर, इसके अलावा सिद्धार्थ से पूछा गया कि बिग बॉस सीजन 13 में अपने कट्टर प्रतिद्वंदी आसिम रियाज दूसरे नंबर पर रहे, आप उनकी वजह से शो छोड़ने तक के लिए तैयार थे, आपने तो उन्हें शो के बाहर पीटने तक की धमकी दे दी थी। इस पर सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा, हम सब अपना गेम खेल रहे थे, आसिम की कई बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया, मगर उसने कुछ अच्छी बातें भी की जो मैं बता नहीं सकता। मैंने बिग बॉस के घर में हुए लड़ाई झगड़े सब वहीं छोड़ दिए, सिर्फ आसिम ही क्यों, कई और लोग भी शहनाज और मुझे निशाना बना रहे थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला से कोरोना वायरस से जुड़ा भी सवाल किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला से पूछा गया, कोरोना की वजह से आप भी इन दिनों घर पर रह रहे होंगे, आपका टाइम कैसे गुजर रहा है? सिद्धार्थ ने कहा कि मैं इससे पहले बिग बॉस के घर में रह चुका हूँ और अब मैं अपने ही घर में हूँ। मैंने बिग बॉस से बहुत कुछ सीख लिया है और मैं अपनी मम्मी को अब हेल्प करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने घर पर रहिए और कोरोना को मजाक मत समझिए, वरना आपकी ज़िंदगी मजाक बनकर रह जाएगी। इतना नहीं, सिद्धार्थ से एक और सवाल किया गया। सिद्धार्थ से पूछा गया कि बिग बॉस को लेकर कई सारे लोगों ने ये कहा कि स्क्रिप्टेड है, सिद्धार्थ को विनर बनाने की कोशिश की जा रही है, चैनल जो है सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट कर रहा है। इस पर सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा कि ये सारे चार्जेस क्यों मुझ पर रख गए हैं। शो के दौरान भी कई तरह के एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए गए, मेरे काम के ऊपर लगाए गए। मैं बीमार था, मैंने बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस में फेस की, लेकिन मैंने कभी भी शो नहीं छोड़ा और शो में मैं टिका रहा। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके फेवर में नहीं होते, कई लोग आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद है कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि मैंने पूरी पूरी मेहनत की और तब जाकर कहीं मेरे हाथ में ये ट्रॉफी लग पाई है। सिद्धार्थ शुक्ला से ये भी पूछा गया कि जब सलमान खान ने आपको विनर डिक्लेयर किया था तो आपको कैसा लगा? सिद्धार्थ ने कहा कि मैं इस फीलिंग को, इस रिएक्शन को नहीं बता सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी खुशी को एक्सप्रेस करूं। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम बिग बॉस के घर में देखा है और आई हैड डिसाइडेड हाउ टू लिव इन बिग बॉस हाउस,
मेरी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हुई। जैसा मैंने सोचा था मैं बिग बॉस के घर में रह पाऊंगा, वैसे मैं रहा। शब्दों में कहूँ तो मैं कभी भी बता नहीं पाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा खुश हुआ बिग बॉस की ट्रॉफी पाकर। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे सिद्धार्थ शुक्ला के इस बेहद बड़े इंटरव्यू पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंटरनेट न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।